मीडिया के दर्शकों को आज हम एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं शेनू झवर जी से मिलाने जा रहे हैं। आज इनका यहाँ बहुत ही एक बुक है द दी वर्ड डिप्रेशन पर है, बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें डिप्रेशन के ऊपर सफ़र करते हैं किस तरह से एक महिला उससे निकलती है, उसमें उन्होंने क्या क्या उन्होंने कष्ट पाए और कैसे उसको दूर किया है और कैसे व्यक्ति दूर कर सकता है डिप्रेशन को, क्योंकि आज आम बीमारी डिप्रेशन, उसमें इन्होंने उस कन्वर्सेशन भाग लिया। 3 जनों की कन्वर्सेशन थी, HOD SM हॉस्पिटल थे उसमें और हमारे एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर और बुक के ऑथर शुभ्रत प्रकाश जी थे। तो शेनू झवर जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने आपको सुना कन्वर्सेशन में और आप उसमें लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह से इस सेमिनार के अंदर लोग अपने साथ जो बीती हुई उस घटना को बता रहे थे और आप लोग उसका समाधान कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि डिप्रेशन के बारे में आप जो जानते हैं, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल के संचालक हैं और नेचुरली आपके मरीज आते हैं, ठीक है, पेशे से आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आपके पास इस तरह के पेशेंट को आपको देखना तो पड़ता है और बहुत कुछ जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो डिप्रेशन एक आम बीमारी है उसके ऊपर अपना जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने लोगों को जाना है और आज के सेमिनार में भी जो आपने अनुभव किया है और जो बुक आपने ली है उसके बारे में अपने अनुभव भारत नेटिव पैन के माध्यम से दर्शकों को इस तरह शेयर करें कि हम चाहें कि कोई मरीज पहली बात तो हो ही नहीं और अगर वो है तो आपके मार्गदर्शन से ही सही हो जाए। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस टॉपिक के ऊपर न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपने समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। मुग्धा सिन्हा जी ने जो डिप्रेशन पर ये सेमिनार आयोजित किया, आई थिंक इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मूव, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो इसको स्टिग्मेटाइज करते हैं, सोसाइटी स्टिग्मेटाइज करती है, इसको मार्जिनलाइज करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बारे में लोग बातचीत नहीं करना चाहते, कई बार एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि डिप्रेशन किसी भी दूसरी बीमारी की तरह सिर्फ एक बीमारी है। इसका आदमी की इंटेलिजेंस से, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्केल से, उसकी पढ़ाई से, उसके करियर से कोई रिलेशनशिप नहीं रखता। जिस तरीके से कोई कार्डिक बीमारी से ग्रसित होता है या कैंसर से ग्रसित होता है या कोई किडनी की बीमारी से ग्रसित होता है, उसी तरीके से कई बार आदमी ब्रेन के डिसफंक्शन से पीड़ित होता है। इसको न्यूरोसाइंस में मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। जहाँ तक आपने एपिक्स की बात करी, इट इज़ अ प्रिविलेज कि हम लोग सोसाइटी में बहुत ही ऑनेस्टली और एथिकली पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं और सोसाइटी की तरफ अपना योगदान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक डिप्रेशन की बात है उसकी जानकारी जितनी भी मैंने इकट्ठी करी है या जाना है वो हॉस्पिटल के माध्यम से नहीं जाना है। मैं PhD कर रही हूँ एंटीनेटल डिप्रेशन में, जो कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको अगर डिप्रेशन होता है तो उसको उस अवस्था को एंटीनेटल डिप्रेशन कहते हैं। और मैं काफ़ी पैशनेट हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, और जो आपने कहा कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे और आप डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो जो मैंने जानकारी अपनी इकट्ठी करी है, जो PhD में रिसर्च फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जाना है, जितना भी मैं तह तक गई हूँ सब्जेक्ट के बारे में, वहीं से मेरी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज हैज़ डेवलप्ड। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज मुग्धा जी ने इस सेमिनार में मुझे बुलाया एंड डॉक्टर सोलंकी जो कि HOD साइकेट्री है SMS में, उनके साथ बातचीत हुई। मिसेज शुभ्राता प्रकाश जो कि ऑथर है, उन्होंने बहुत करेजियसली ये बुक लिखी है। शी सफर्ड फ्रॉम पोस्ट नेटल डिप्रेशन। जिस तरीके से एंटी नेटल डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, पोस्ट नेटल डिप्रेशन बच्चे के डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन जो मदर्स में होता है वो होता है। ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बातचीत करना, क्योंकि शायद ये जनरल नॉलेज नहीं है कि जिस तरीके से इंडियंस में बाकी दुनिया से कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा जीन्स की वजह से जेनेटिकली डायबिटीज़ पाया जाता है, उसी तरीके से पूरी दुनिया में जो औरतें हैं वो मेन के कंपैरिजन में डबल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई वुमन कमज़ोर है या वो इनफ मेहनत नहीं करती है इस वजह से डिप्रेशन का शिकार है,
ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, कई बार सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की वजह से भी होती है, कुछ और भी इसके ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि कैंसर के या हार्ट अटैक के ट्रिगर्स होते हैं, जिनकी पूरी तरीके से जानकारी अभी हमें नहीं है, रिसर्च इस पर चल रही है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग इसका शिकार हैं वो आकर के इसके बारे में बात करें और इसको किसी प्रकार से ये नहीं समझे कि इसके तरफ कोई किसी प्रकार का स्टिग्मा है, ऐसा नहीं है, और इसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। इसकी जो दवाइयाँ होती हैं या साइकोथेरेपी होती है उसको बिल्कुल नॉर्मली लेने की कोशिश करें, और आज का मुद्दा भी यही था। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बड़े संक्षिप्त में शेयर की। मैं समझता हूँ कि दर्शक इससे लाभ प्राप्त करेंगे और जो ये बीमारी है इसको ओपनली साफ सामने लाकर इसको छुपाए नहीं और इसको बता के चिकित्सकों को इसका इलाज प्राप्त करें या जो भी इसकी समुचित चिकित्साएँ करवाएँ, क्योंकि हम छुपाते हैं तो फिर वो बढ़ती जाती है। धन्यवाद आपका।